हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 एंड 2 क्वेश्चन डिस्कस कवर किया था। वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही देखे थे। ओके, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, पेन पेंसिल सब लेकर के बैठे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ठीक है, चलिए, रेडी है ना? बिल्कुल, चलिए देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा क्या करना है इसमें। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, फिर बोल रहा है थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्हील है जो 360 रिवोल्यूशन कवर कर रहा है इन 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 360 रिवोल्यूशन कवर कर रहा है। अब ये वर्ड रिवोल्यूशन का मतलब क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले वर्ड रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है, जो यहाँ पे रिवोल्यूशन वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है। क्या है आपके पास? एक सर्किल है। अब उस सर्किल में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको मूव करना स्टार्ट किया, ये व्हील है, ये क्या है, व्हील है, इसको व्हील को मैंने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने इसको मूव करवाना स्टार्ट किया, करते करते मूव करते करते अगेन ये उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जब वो जिस पॉइंट से हम स्टार्ट किए थे मूव करना, उसी पॉइंट जब हम वापस आ गए, तो हम बोलते हैं हमने अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया हमने? एक अपना चक्कर पूरा कर लिया, उसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, जब वो एक रिवोल्यूशन अपना कवर करता है, तो जब वो अपना एक रिवोल्यूशन कवर करता है तो वो 360 डिग्री होता है। कितना? जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके आप अगेन यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इस पूरे एंगल को कितना बोलते हैं हम लोग? 360 डिग्री बोलते हैं। यानी वो 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री कवर करता है। कितना कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। अब हमें बोलूँगा कि आप जानते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन इक्वल टू में कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो मुझे अगर 360 डिग्री चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा? 2π रेडियन। तो 2π रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। बात समझ आएगी आपको? तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, 1 रिवोल्यूशन है ये, 1 रिवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, और पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो 2π रेडियन मतलब 360 डिग्री। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2π रेडियन से भी मतलब होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे हमसे क्या बोला गया कि आप हमें क्या करिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आप जो व्हील है वो 1 मिनट में, व्हील जो है वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन पूरा करता है, यानी कि वो 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशन लेता है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो हमें बोलेंगे कि हमें पूछा गया है ये क्वेश्चन में कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड वो कितना रेडियन कवर करेगा, 1 सेकेंड वो कितना रेडियन क्रिएट करेगा। रेडियन का मतलब क्या है? कितना एंगल फॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है, जब आप इसको आप घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो उसमें रिवोल्यूशन से और डिग्री, देखिए जैसे 1 रिवोल्यूशन का रेडियन में रिलेशन है ना, तो वही यहाँ पूछा गया कि तो 360 रिवोल्यूशन में, यानी 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना ये रेडियन कवर करेगा हमें वो बताना है। यानी कि हमें पता है कि रिवोल्यूशन का रेडियन में रिलेशन होता है, तो हम इसकी रिवोल्यूशन की वैल्यू रेडियन में बता सकते हैं। इतनी बात समझ आती है आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे कि अगर 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन है तो 1 सेकंड में कितना होगा। तो 1 सेकंड के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड इक्वल टू 360 हो गया यहाँ पर, तो हम बोलेंगे तो 1 सेकंड चाहिए हमें, तो 1 सेकंड के लिए क्या बोलेंगे, 60 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू आपके पास मिलने वाला है 6 रिवोल्यूशन। बात में समझ में आई गाइज? इस तरीके से आपको क्या मिला, 1 सेकंड में आप कितना रिवोल्यूशन लेते हैं? 6 रिवोल्यूशन ले रहे हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे 1 सेकंड में कितना रेडियन होगा, तो हम बोलेंगे कि अगर 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन है, तो 1 रिवोल्यूशन में 2π रेडियन है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2π रेडियन हो जाएगा सिंपली एकदम। अरे यार, जब 6 रिवोल्यूशन में, मतलब कि कहने मतलब है 6 रिवोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर कितना, यहाँ 1 रिवोल्यूशन में 2π रेडियन है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितने पाई रेडियन होंगे, तो हम क्या करेंगे, उस 2π रेडियन का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 2 से कितना मिलेगा, 12π रेडियन। तो 1 सेकंड में 12π रेडियन होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, बस उसको आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आप देखिएगा, जरा समझिएगा ध्यान से। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
आप अपने पास बुक रखे हुए रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आए ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल, हमें क्या करना है डिग्री फाइंड करनी है। मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, क्या किया जा रहा है हमें डिग्री में डिग्री फाइंड करनी है, मतलब एंगल फाइंड करना है डिग्री में। अब वहाँ पे क्या किया गया, जो आपका एंगल सबटेंड किया गया है वो एंगल किसके द्वारा सबटेंड किया गया, एक आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया। देखिए लिखा हुआ सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, हमने एक मान लिया सर्किल है, उस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, वो है। अब इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, ठीक, कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। अब एक आर्क ले लेते हैं हम जिसका लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, हमने मान लिया ये क्या आपकी आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ये आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो गया, ठीक है, ये भी लिखा है रेडियस है तो 100 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई आपको, हमने एक ले लिया सर्किल ले लिया, उसमें सर्किल का सेंटर क्या लेट कर दिया, ओलेट कर लिया, और ओलेट कर लिया तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ, आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये बताइए कि जो ये आर्क है ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगा इन डिग्री में, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर हमें वो बताना है इन डिग्री में। तो आपको पता होगा इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा किस में लेते हैं, हम रेडियन में लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा थीटा इज इक्वल टू में लेंथ अपॉन में रेडियस, तो ये जो थीटा आने वाला है ये ऑलवेज किस में होता है, ऑलवेज इन रेडियन, किस में होता है हमेशा रेडियन में होता है। तो यानी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको किस में आएगी, रेडियन में आएगी, फिर आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे उसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पता है, आपको लेंथ भी पता है रेडियस भी पता है, आपको सिर्फ थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ कितनी आपके पास 22 है और रेडियस कितना आपके पास 100 है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11 बाई आपको मिलेगा 50, कितना मिलेगा 11 बाई 50 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा 11 बाई 50 डिग्री मिलेगा। अब आपको पता है कि हम इसको जो डिग्री की वैल्यू होती है इनको हम कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लेते हैं, हम इनको एक इंटीजर के फॉर्म में लेते हैं, ये वैल्यू हमें किसमें मिलनी चाहिए इंटीजर के फॉर्म में मिलनी चाहिए। या फिर कभी भी आप ये भी ध्यान रखेंगे कभी भी डिग्री आपकी पाई के फॉर्म में नहीं आती है, इसलिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो नहीं पता होगा, इसलिए लेक्चर आप जरूर देखें जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको किस में मिल गया डिग्री में मिल गया, अब हमें इसको किस में चेंज करना है रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, है कि नहीं, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, हमें बस यही एक रिलेशन ध्यान रखना है, बाकी हम चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि नहीं। चलिए हमने देखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई, बट हमें किस में चाहिए रेडियन में चाहिए, तो डिग्री को चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे डिग्री का, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा पाई रेडियन अपॉन में 180, ठीक है। देखिए वैल्यू आपको किस में चाहिए, इन अ सर्किल सॉरी फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, हाँ ठीक है, हमें डिग्री में ही चाहिए, बट हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, होल नंबर यानी इंटीजर में चेंज करेंगे, हमें किस में चाहिए डिग्री में ही चाहिए, बट इसको चेंज किस में करना है इंटीजर में, क्योंकि अभी किस में है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए हमें अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे लगा इसे रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, बट इसे हमें डिग्री में ही रखना है, ठीक है, डिग्री में ही रहेगा ये। बट एक बात और बताइए आप कि ये जो थीटा की वैल्यू आई है ये किस में है रेडियन में रहेगी, हाँ गलती बिल्कुल मत करिए, अभी हम गलती कर जाते, हमें क्या रखना है इसको, हमेशा थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर किस में आएगी रेडियन में आएगी, डिग्री में नहीं आएगी। अब इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, ठीक, कहो मैंने ध्यान दे दिया अदरवाइज मिस्टेक हो जाती ना, हाँ ऐसे ध्यान रखना है आपको भी। तो यहाँ पे रेडियन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन लगाएंगे, हम बोलेंगे हमारे पास है 11 बाई 50 रेडियन, इसको हम लिख सकते हैं 11 बाई 50 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई, क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन में पाई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 11 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में 50 इंटू में 22 बाई 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन में 50 इंटू में 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 वन जा 11 11 टू जा 22 2 वन जा 2 2 9 जा 18, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फाइनली जो मिलने वाली है वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है 9 7 जा 63 अपॉन में 5 इन डिग्री,
अब देखिए ये आपको किसमें मिल गया, डिग्री में मिला, बट किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसको हम फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या बोलेंगे कि 60, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन से हटाने के लिए 5 को 63 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखिएगा, हम लोग पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं बट फिर से कर रहे हैं, जिससे जिन लोगों ने नहीं देखा वो उनको पता चल जाए। 5 × 5 = 10। तो अब देखिए ये आपके पास जो क्वेश्चन आता है ये आपको क्या देगा, वैल्यू देगा डिग्री में। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 12 डिग्री प्लस, अब ये जो रेडियन, ये क्या आपका रिमाइंडर है डिवाइजर है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो रिमाइंडर कितना आपके पास है, यहाँ पर 3 है और डिवाइजर कितना है 5 है। ये किस में आएगा, डिग्री में आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जब आप जिस दिन आप 5 को 63 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 63 को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, आएगी ना डेसिमल में कुछ। तो मैं डेसिमल में नहीं लाना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं इसको इस तरीके से रखूँ वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इतना ही डिवाइड करूँगा। अगर आप चाहें कि चेक करें कि आपकी वैल्यू सही आ रही कि नहीं, तो आप 5 से 3 को डिवाइड करके ऐड करके देखिए, आपकी वही वैल्यू आएगी जब आप इसको 5 को 63 से डिवाइड करेंगे। तो 63 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे, डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर भी आपको पूरी मिलने वाली है जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अब क्या करना है, ये डिग्री में है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तब इसमें डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 12 डिग्री प्लस का 3/5 × में 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। गलत बोलते हैं ना, सही बोलो, सही एकदम बढ़िया। हाँ, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 5 × 5 = 10। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 12 डिग्री प्लस का 12 × 3 = 36 मिनट, यानी कि हमें क्या मिला, 12 degree 36 मिनट। हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर, 12 degree 36 मिनट, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि आपको जो ये एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो आप डिग्री में बताइए। तो मैंने कहा डिग्री में क्या होगा, 12 degree 36 मिनट। ऐसे इस क्वेश्चन को करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क कर लीजिए इसमें। तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 4 की, ये हम लोग सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ओके, तो गाइस अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा होगा, आप एक बार रीड करिए, देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ ना, हाँ मैं तो बताऊँगा ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे देखना है, इसमें सोल्यूशन क्या है इसका, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एकदम बेसिक से, बिल्कुल भी गायब नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूँ मैं। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन कर रहे हैं गाइज। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, एक सर्किल है गाइज हमारे पास, उस सर्किल का सेंटर हम क्या लेट कर लिए, ओ है, ठीक है। फिर इसमें बोला गया हमसे कि इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इस सर्किल का जो डायमीटर गिवेन है वो कितना गिवेन है, 40 सेंटीमीटर गिवेन है। तो इन डायरेक्ट वे में रेडियस कितना मिल जाएगा आपको, 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है ना इतने में। हाँ ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है हमारे पास, हमने लेट कर लिया एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर गिवेन है, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, अब आपको माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, बट ये माइनर आर्क होता क्या है इसके बारे में तो जान जाए हम। हाँ चलिए देखते हैं, देखिए जब आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्किल के दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये, तो ये जो छोटा पार्ट है इसे बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क, इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, इसे बोलते हैं माइनर आर्क। इतनी बात समझ आ गई, चलिए अब देखिए, अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसकी लेंथ फाइंड करने के सिंपली मैं जो बोलूँगा आप वैसे मेथड लगाइएगा, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, हमेशा क्वेश्चन आपका एकदम सही होगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब आपको इस सेंटर से इसके सर्किल को इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर से रेडियस मिल जाएगा। अब आपको रेडियस की लेंथ कितनी पता है, 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना पता है आपको, 20 सेंटीमीटर। अब इन डायरेक्ट वे में अगर आप ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, तो आपको कुछ दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। हाँ क्या दिखा, ये दिखा कि ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 60 डिग्री, ये भी बोलेंगे एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो हमें किससे मतलब, हमें इस एंगल से मतलब है गाइज, किससे मतलब है,
इस एंगल से, क्यों? क्योंकि हम सब ने पढ़ा है फॉर्मूला कि थीटा इज इक्वल टू में होता है लेंथ अपॉन में रेडियस। क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू में लेंथ अपॉन में रेडियस। बट ध्यान क्या रखना है, ये किसमें होता है? रेडियन में होता है। किसमें होता है? रेडियन में होता है। और ये दिया किसमें? हमें डिग्री में दिया हुआ है। तो 60 डिग्री को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले रेडियन में। तो 60 इंटू में क्या करेंगे? पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? हाँ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 0 0 कैंसिल आउट, तो फाइनली मिलेगा पाई रेडियन अपॉन में 3। तो 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। अब हमें क्या चाहिए? आर्क की लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए हमें। इसको मान लेते हैं एल, हमने माना है, ठीक है, ये लेंथ हमें चाहिए। तो हम सिंपली क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लेंथ हमें पता है, सॉरी लेंथ हमें निकालनी है। तो लेंथ अपॉन में रेडियस कितना है आपके पास? 20 सेंटीमीटर है। अब ये थीटा कितना है आपके पास? पाई रेडियन अपॉन में 3 है। तो पाई रेडियन अपॉन 3 इक्वल टू एल अपॉन में 20। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 20 पाई रेडियन अपॉन में 3। ये हो गया आपका आंसर इन सेंटीमीटर। ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन बढ़िया था ना? हाँ, सिर्फ इसमें ध्यान रखना, बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो बोले आपको वही करना है। कुछ भी, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना। अगर एक पॉइंट भी आपने मिस किया मतलब सब पानी में। लेकिन हमें पानी में नहीं रखना, हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? जल्दी से रीड करिए, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए जल्दी से। रीड कर लिया आपने? ओके। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6? हाँ। वहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। किसका? रेडियस का। वहाँ पे आपको कितने सर्कल गिवेन है? 2 सर्कल गिवेन है। कितने? 2 सर्कल्स गिवेन है। उन सर्कल्स के अलग अलग एंगल हैं। कैसे? देखिए क्वेश्चन क्या है, रीड करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबट्रैक्टेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। 2 सर्कल्स हैं आपके पास। सबसे पहले तो हम 2 सर्कल ले लेते हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। अब देखिए इसको मान लेते हैं सेंटर ओ, इसको मान लेते हैं सेंटर ओ डैश। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक। अब आगे क्या बोला गया है? इफ इन 2 सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। इनकी आर्क कितनी है? हम मान लेते हैं आर्क कितनी है? सेम लेंथ, जितना ये लेंथ पे उतनी लेंथ पे ये भी। यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट याद रखना, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इस पॉइंट पे डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो। आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री। अब ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, क्या क्या सबटेंड कर रहे हैं उसमें हम बात करते हैं। दिया है हमें एक एंगल आपको सबटेंड किया गया 60 डिग्री, ये सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है। अब क्या बोला गया इसमें? एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब इसकी रेडियाई, इसको मान लेते हैं रेडियस नंबर 1, इसको मान लेते हैं रेडियस नंबर 2। हमें इसका रेशियो फाइंड करना रेडियाई का, मतलब हमें R1 अपॉन में R2 चाहिए, क्या होगा? ठीक है। अब देखिए सिंपली, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, ये डिग्री में है, एंगल क्या है? डिग्री में है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 इंटू में पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री, आपको रिलेशन पता है, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर रिलेशन जो मिलने वाला है, वो मिलने वाला पाई रेडियन अपॉन में 3। इसी तरीके से 75 डिग्री करते हैं, तो 75 इंटू में पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 7 = 75, 15 × 15 = 15 × 15 = 30, यानी कि 5 पाई रेडियन अपॉन में 12। ये एक रिलेशन मिला और एक ये मिला डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। कैसे? देखिए हमें फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू में लेंथ अपॉन में रेडियस, ये तो पढ़ा है ना। बट हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ के लिए क्या निकलेगा? थीटा इंटू में आर। तो पहले वाले सर्किल के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू में थीटा इंटू में आर वन, थीटा वन हो जाएगा। क्यों थीटा वन होगा, इसके बारे में अभी बताता हूँ। इसी तरीके से एल इज इक्वल टू में थीटा टू इंटू में क्या हो जाएगा? आर टू। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए समझिएगा इस बात का, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ दी आर्क। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी आर्क की, वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए आप इसको ऐसे बढ़ाइए, आर्क की लेंथ बढ़ी, एंगल आपका बढ़ा, और बढ़ाइए। देखिए जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी, वैसे वैसे आपका थीटा भी चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए आर वन है तो थीटा वन है, लेंथ। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री 75। आर्क ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ कैसी है? सेम है। हाँ लेंथ यहाँ पर कैसी है? सेम है। हाँ लेंथ कैसी है? सेम है। लेंथ हमने सेम रखा है तो थीटा क्या होगा? थीटा चेंज होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा में पहले से दिए गिवन है, इसलिए हम थीटा पे बात नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई लॉजिक नहीं बनता।
मुझे लगा ना कि यहाँ पे आपको रेडियस सॉरी लेंथ का रेशियो फाइंड करना है रेडियस की वैल्यू, ठीक है ना। हाँ इसे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है 60 डिग्री 75 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर रेडियस कितनी आर वन और आर टू हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सर्किल अलग है तो उनके रेडियस भी चेंज हो गए, कॉमन सी बात है। चलिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट लेफ्ट साइड आर इक्वल, तो राइट साइड आर ऑल्सो इक्वल, तो थीटा वन आर वन इज इक्वल टू में थीटा टू आर टू हो जाएगा, तो हमें रेडियस चाहिए आर वन अपॉन में आर टू चाहिए रेशियो, तो हो जाएगा थीटा टू अपॉन में थीटा वन। तो थीटा टू की वैल्यू कितनी है गाइज आपके पास 5 पाई रेडियन अपॉन में 12 और अपॉन में आपको कितना मिलेगा थीटा वन पाई रेडियन अपॉन में 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5 पाई रेडियन अपॉन में 12 इंटू में 3 अपॉन में पाई रेडियन, 3 वन जा 3 3 4 जा 12 पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल है कि नहीं, ये 5 पाई, तो यहाँ मिलेगा आपको पाई 5 बाई 4। तो यहाँ जो रेशियो मिला आपको आर वन अपॉन में आर टू का वो क्या मिल गया 5 अपॉन में 4, तो मीन्स आपका जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, सॉरी 6 है, इसका जो आंसर हुआ सॉल्यूशन का आंसर जो हुआ वो कितना हुआ आर वन इज टू आर टू इज इक्वल टू में 5:4 गाइस। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसे आप रीड करिए फिर हम उस पर बात करते हैं। ओके जल्दी से फटाफट रीड करिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइस, आपने रीड कर लिया ना, ठीक है। सुनिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन, आपको एंगल किसे फाइंड करना है रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ है ये, पेंडुलम की लेंथ है, दैट्स इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि लेंथ किसकी है, पेंडुलम की है, जो कि आप मिस्टेक्स कर देंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर जो 75 सेंटीमीटर आपको दिया है वो किसकी लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ है। एंड द ई टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और जो इसकी टिप है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, इसकी आर्क की लेंथ को डिस्क्राइब कर रही है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 आप दी हुई है, क्या तीनों आर्क की लेंथ है, तो अलग अलग लेंथ पर हमें अलग अलग एंगल्स निकालने हैं, किसमें रेडियन में। बात समझ आ गई आपको। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस कि आपके पास एक पेंडुलम है, क्या है मतलब क्वेश्चन ने बोला पेंडुलम है आपके पास नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो अब इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहा है, अब ये पहले कहीं और था, पहले कहाँ था ये, मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अभी रोटेट, जब इसको हमने छोड़ा तो ये ऐसे 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 रोटेट किया, फिर वापस ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये कुछ इसी तरीके से हो रहा है। पेंडुलम की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पर भी इसकी होगी, वही लेंथ यहाँ पर भी होगी, तो अगर आप बाई चांस इसको अगर मिला दें ऐसे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सर्किल फॉर्म कर रहा है, सर्किल भी फॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसके बीच कुछ एंगल फॉर्म होगा, है कि नहीं, एंगल फॉर्म होगा कि नहीं फॉर्म होगा। जब ये एंगल फॉर्म होगा तो ये एंगल देखिए आप कैसा हो रहा है, एक सर्किल के अंदर बन रहा है, मतलब यहाँ कुछ इसका ये सेंटर होगा, ये है कि नहीं, सेंटर होगा कि नहीं होगा, तो ये कुछ हमारा उसी तरीके से प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं, कौन सी, ये वाली थीटा इज इक्वल टू में लेंथ अपॉन में रेडियस वाली। रेडियस क्या है यहाँ पर, ये हो गई, लेंथ क्या है, ये आर्क की लेंथ हो गई, एंगल जो आपका ये होगा, तो कुछ फॉर्म हमारी यही वाली बन रही, तो हम यही इस पर अप्लाई करके वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग लेंथ पर। कैसे, पहली लेंथ आपको कितनी दी हुई है आर्क की, पहली लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ कितनी दी, मान लेते हैं ये L1 है, इसी तरीके से L2 आपको कितना दिया हुआ है, L2 दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर, इसी तरीके से L3 कितना दिया हुआ गाइस, L3 आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक। अभी आपका रेडियस कितने पर कर रहे हो, तो ये भी 75 है और ये भी 75 है। अब इन तीनों पर हमें वैल्यूज फाइंड करने की, किसकी, एंगल की। एंगल देखिए जैसे जैसे आपका लेंथ चेंज होगा वैसे वैसे एंगल भी चेंज होगा, क्योंकि आपकी सर्किल यहाँ पर एक ही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर्किल आपका डिफरेंट था लेकिन एंगल आपको गिवन था, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं किए थे, बट यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है या फिर जैसे जैसे लेंथ आपका बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा भी बढ़ेगा, अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, इसी आपको भी दिखेगी। चलिए हम फॉर्मूला डिराइव कर, फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर, क्या बनाएंगे कि थीटा वन हमें फाइंड करना है, तो थीटा वन इज इक्वल टू L1 अपॉन में R हो जाएगा, इसी तरीके से थीटा टू इज इक्वल टू में L2 अपॉन R हो जाएगा, इसी तरीके से थीटा थ्री इज इक्वल टू में L3 अपॉन में R हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, थीटा ये रेडियन में आएगा, रेडियन में हमसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 75, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो 2 बाई 50 मिलेगा आपको सेंटीमीटर, थीटा 1 मिला आपको,
ठीक इन रेडियन में। अब देखिए सॉरी रेडियन, हाँ ये सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पर, क्या है रेडियन में 2/15 मिला आपको, ठीक है एंगल। अब आप क्या करिए, अभी तीनों निकाल लेते हैं तब कंपेयर करिएगा। L2 की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर अपॉन में रेडियस कितना आपके पास 75, 15 वन जा 15 और 15 फाइव जा 75, 1 अपॉन में 5 मिलेगा आपको, ठीक। इसी तरीके से L3 कितना है 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 75, तो 3 सेवन जा 21, 3 टू जा 6 और 3 फाइव जा सॉरी 3 फाइव जा 15, हाँ 3 फाइव जा 15, तो 7/25 ये वैल्यूज मिली आपको। तो थीटा 1 यानी रेडियन में 2/15, 1/5 और 7/25। अब आप क्या करिएगा गाइस, इसको इससे डिवाइड करिएगा, इसको इससे डिवाइड करिएगा, इसको इससे डिवाइड करिएगा। अब ऐसे भी देख सकते हो, ये 15 सेंटीमीटर है ना और ये 20 सेंटीमीटर, लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा मैंने क्या बोला, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन ये रेडियन में आप डिग्री में देखेंगे, डिग्री में देख लीजिएगा, मतलब आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे आपको पक्का मिलेगा, एकदम पक्का, ठीक है ना। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 क्वेश्चंस देखे जो कि कंप्लीट हुए और इसी के साथ आज की एक्सरसाइज का भी एंड हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2, उस पर बात करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे उससे रिलेटेड थ्योरी एंड कुछ मेथड्स, ओके गाइस। तब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, आज की क्लास को यही एंड करेंगे और आज के लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।